गोडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर। अगर आपने गोडजिला वर्सेस कोंग जो 2021 में आई थी वो मूवी देखी है तो भाई डेफिनेटली आप इस मूवी को देखने वाले हो एंड इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन भाई ये मूवी देखने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। तो भाई गोडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर ये मूवी स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लगती है एंड स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। इस मूवी की स्टार्टिंग में कुछ छोटी छोटी फाइट्स दिखाई जाती है, वो फाइट्स ठीक थी लेकिन भाई इतना इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन भाई हाफ मूवी के बाद ये मूवी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगती है। सबसे पहले इस मूवी के VFX के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के VFX बहुत ज्यादा अच्छे थे, हॉलीवुड के VFX की टक्कर नहीं हो सकती एंड भाई इस मूवी ने भी सेम वैसा ही परफॉर्म किया है, VFX में कोई कमी नहीं थी। बाकी भाई ये मूवी मैंने हिंदी लैंग्वेज में देखी है तो हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो भाई इस मूवी की हिंदी डबिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई एंड भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में ही देखने जाना। बाकी भाई इस मूवी में कॉमेडी ठीक ठाक थी, कहीं पर वर्क करती है एंड कहीं पर नहीं। बाकी भाई ओवरऑल आप ये मूवी इंजॉय करने वाले हो अगर आप इस मूवी की स्टोरी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लेके जा रहे। बाकी भी इस मूवी में काफी अच्छे अच्छे सीन्स थे, जैसे जब कोंग गोडजिला को लेके जा रहा होता है वो सीन मुझे काफी पसंद आया। इसके अलावा एक स्लो मोशन सीन था जिसमें चारों टाइटन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे एंड भाई वो स्लो मोशन सीन सच्ची में भाई आपके पैसे वसूल कर देगा, उस सीन को भाई आप थिएटर्स में ही देखने जाना। बाकी भाई एंटी ग्रेविटी सोकवे वाला सीन भी बहुत अच्छा था, उसको भी काफी अच्छा क्रिएट किया गया है एंड भाई एट दी एंड इस मूवी की एंडिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाती है। जी हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि इस मूवी की एंडिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई एंड भाई मूवी की एंडिंग में ये लगता है कि भाई फिर से कुछ होने वाला है लेकिन ऐसा नहीं होता, मूवी वहीं एंड हो जाती है। बाकी भाई इस मूवी में कोई भी मिड क्रेडिट सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन मुझे देखने को नहीं मिला तो भाई आप भी अपना थिएटर में बैठकर टाइम वेस्ट मत करना, मूवी खत्म होते ही तुरंत उठकर आ जाना। बाकी भाई फाइनल वर्डिक्ट बताऊं तो भाई आप ये मूवी देखने जा सकते हो अगर आप बस कुछ थिएटर एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये मूवी गोडजिला एंड कोंग के फैंस के लिए बहुत अच्छी है लेकिन ये मूवी इससे ज्यादा अच्छी हो सकती थी क्योंकि भाई इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट था गोडजिला वर्सेस कोंग वो भाई सेकंड पार्ट के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा था। सो भाई दैट्स व्हाई मेरे को लगा कि ये मूवी और अच्छी हो सकती थी लेकिन भाई मेकर्स ने इस मूवी को ठीक ठाक बनाया है। बाकी भाई मेरी तरफ से आपको ये मूवी रिकमेंडेड रहेगी।